परसर उपमंडल के बुहली सहेली के ग्रामीण पक्की सड़क सुविधा को तरस गए हैं। ग्रामीणों ने कई बार सड़क बनाने के लिए सरकार से गुहार लगाई, लेकिन आज तक मात्र आश्वासन नहीं दिए गए। गांव के लिए सड़क न होने पर ग्रामीणों में सरकार के प्रति गहरा रोष पनप रहा है। ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि बुहली सहेली गांव के लिए जल्द सड़क बनाई जाए, ताकि लोगों को आवाजाही करने में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। वार्ड सदस्य संतोष कुमार ने बताया कि ज्योली देवी से भेबड़ सड़क से मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर हमारा गांव पड़ता है, जहां पक्की सड़क न होने से ग्रामीणों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा 2015 में गांव के लिए कच्ची सड़क का निर्माण करवाया गया था, परंतु अभी तक इस सड़क को पक्का नहीं किया गया है। ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि गांव की इस सड़क को पक्का किया जाए। ये जो हमारा ज्योली देवी से जो रोड आता है भेबड़ के लिए, ये हमारा गांव जो है मेन रोड से 500 मीटर दूर है। आज तक ये है कच्चा रहा, पिछली सरकार ने वायदा किया था कि हम इसको पक्का करेंगे, आज तक नहीं। वहीं गृहिणी किरण बाला ने बताया कि सड़क पक्की न होने से वाहन गांव तक नहीं पहुंच सकते हैं, जिससे बरसात में स्कूली बच्चों, बूढ़े बुजुर्गों और लोगों को सड़क से गुजरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द गांव के लिए सड़क का निर्माण कार्य करवाया जाए। दिनों में जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो हमारा ये रोड कच्चा है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को स्कूल जाने में बड़ी परेशानी होती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारा रोड जल्दी से जल्दी पक्का किया जाए। ग्रामीण कैप्टन रंगीला राम ने बताया कि सड़क के पक्का न होने से गांव के 3-4 लोगों की मौत हो चुकी है, क्योंकि बरसात में वाहन गांव तक नहीं पहुंच पाया, जिससे उन लोगों को समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाई और उनकी मौत हो गई। अब ग्रामीणों ने जयराम सरकार से सड़क को पक्का करने की गुहार लगाई है, जिसका ग्रामीण ज्ञापन जल्द ही जिला उपायुक्त को मिलकर सौंपेंगे। एक गाँव से हेली से जी भेबड़ से ज्योली देव की तरफ जो सड़क पक्की निकली है, इससे हमारा गांव जो है नीचे खड के पास है, तकरीबन 500 मीटर दूरी पर है और कच्ची सड़क डाल दी है। लेकिन हम गुंजाइश अपने अरदास करते हैं नई सरकार से कि वो आए और हमारी रोड को पक्का करके जाए। इस तरीके से जल्दी पक्का रोड होना चाहिए। हमारे बच्चों को काफी परेशानी होती है और बूढ़े आदमी जो है, जो कि इससे पहले इसी सड़क की ना होने के कारण से हमारे गांव में 3 बुजुर्गों की मौत हो चुकी है कि हम समय के ऊपर उनको हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाए। और हम गवर्नमेंट से, सरकार से अरदास करते हैं कि वो हमारी इस 500 मीटर सड़क को जल्दी से जल्दी पक्का करवाया जाए।